स्तोत्र भगवान की। पूछते हैं लोग बाग हमारे आयोजकों से, वहां जाएंगे वहां क्या मिलेगा, अपने अपने राम में क्या मिलेगा, अब तुम बताना, कोई तुमसे आज पूछे जाओ तो क्या मिला तुम। यहां मेरी माँ सीता के रघुनाथ मिलेंगे, यहां शेषावतार लक्ष्मण के भाई राघव मिलेंगे, यहां हनुमान के हरि मिलेंगे, शबरी के रामभद्र मिलेंगे, केवट के रघुनंदन मिलेंगे, बस आने की जरूरत है। सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे, सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे, हनुमान के हरि जगत के त्राता आठों याम मिलेंगे, हनुमान के हरि जगत के त्राता आठों याम मिलेंगे, राम भद्र शबरी के केवट के रघुनंदन मिल जाएंगे, राम भद्र शबरी के रघुनंदन मिल जाएंगे, आ जाओ सब चले आओ इस जगह सभी को, अपने अपने राम मिलेंगे, आ जाओ सभी को अपने मुझको मेरे राम मिलेंगे, तुझको तेरे राम मिलेंगे, तुझ गाइए राम मिलेंगे, तुझको तेरे राम मिलेंगे, राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे, राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे, अपने राम मिलेंगे अपने अपने राम मिलेंगे, अपने अपने राम मिलेंगे अपने अपने राम मिलेंगे, अपने राम मिलेंगे अपने अपने राम मिलेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। क्या अद्भुत संयोग है कि भगवान शंकर से माता पूछती है कि आप किसकी पूजा करते हैं, वो कहते हैं मैं राम की पूजा करता हूं, राम कौन, तो वो कहानी सुनाते हैं, और राम क्या कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने उन्हें भावा, जो शंकर का द्रोही है वो मुझे सपने में भी पसंद नहीं। दुनिया में दो प्रकार की संस्कृति है हिंदुस्तान के भारत के लोगों, एक संस्कृति वो है जो अस्वीकार की संस्कृति है, जो हर बात अस्वीकार करती है, जो हमने कह दिया जो हमारी किताब में है बस वो अंतिम है, इसके बाद कोई बोला इसके बारे में चर्चा भी की तो सर तन से जुदा, एक ये संस्कृति है, इसमें आप कोई सवाल करिए कुछ पूछिए कुछ भी कहिए, यहां के दोनों सर्वश्रेष्ठ ईश्वर एक दूसरे की पूजा करते हैं। एक तरफ तो भगवान शंकर माता पार्वती को अपने आराध्य की कथा सुना रहे हैं जिनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और दूसरी तरफ माता सीता के अपहरण के बाद अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे भगवान राम कहते हैं कि मैं अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अपने भगवान की पूजा करके करूंगा, और भगवान कौन है मेरे, मैं शंकर का विग्रह स्थापित करूंगा, और अपने हाथों से माता जानकी और उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की, रावण लेकर आया, राम अवतारम में कथा आती है, और रामेश्वरम का शिवलिंग उसी बात का प्रतीक है। दुनिया कहती रही कि शिखर कभी नहीं मिलते, ये सनातन धर्म है जिसमें शिखर एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे की उपासना है, इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस है,
क्योंकि ये भगवान शंकर ने अपने मस्तिष्क में इस कहानी को लिख कर रख लिया था। वो स्वामी जी कहते हैं, रच महेश निज मानस राखा पाई सुस समय सिवा मन भाषा। अच्छे समय पर भगवान शंकर के मन की भाषा का अनुवाद इस कहानी ने कर लिया। यह शंकर की और राम की युति का पर्व है। यह भगवान शंकर और राम के आनंद का पर्व है। नीलकंठ महादेव के मंदिर में, नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान की वंदना की जा रही है। आपको पता होगा, संभवतः आपने कहानी सुनी हो या किस्सा सुना हो। पुराने जमाने में जितनी भी प्रकार का ज्ञान था वो ज्ञान श्लोकों के रूप में था। सभी कुछ श्लोक में था। आयुर्वेद भी श्लोक में था, ज्योतिष भी श्लोक में था, व्याकरण भी श्लोक में था, और वह सब 100 करोड़ श्लोक भगवान शंकर के पास उपलब्ध थे। एक दिन भगवान शंकर के तीनों पुत्र